इस वक्त बड़ी खबर हरदा जिले से आ रही है। अब विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे वन कर्मचारियों के द्वारा वन विभाग परिसर में ही प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल के 11वें दिन के मंडी तहसील के कास्ट भंडार में पदस्थ वन रक्षक पद्मनि सिंह ने मुंडन करवाकर सरकार का विरोध किया। आपको बता दें, इससे पहले बोरपानी के वनपाल पूनम चंद दमाड़े ने भी विरोध स्वरूप मुंडन करवाया था। हमारे विशेष संवाददाता शैलेंद्र यादव ने बताया कि 19 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से वन कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान वन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सोमवार को कर्मचारियों द्वारा ब्लड डोनेट किए जाने की भी योजना बनाई गई है। मुंडन करवाने वाली महिला वन रक्षक ने निष्पक्ष बात के संवाददाता शैलेंद्र यादव से चर्चा के दौरान कहा कि बाल महिलाओं का गहना होते हैं। वन रक्षक दिन रात जंगल की सुरक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा। सरकार की नीति के खिलाफ कर्मचारियों में काफी आक्रोश। मेरा नाम पद्मिनी सिंह है, शासकीय कास्ट भंडार के बन्नी में पदस्थ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने जब बात की और उन्होंने हमारी 19 सूत्री मांगों को जब मानने से मना कर दिया, हमारी अभी तक शांतिपूर्वक हड़ताल चल रही है और हम शांतिपूर्ण लोग भी हैं। हम जंगलों में रहते हैं, वनों की सुरक्षा करते हैं, हमारे पास कितनी परेशानियां होती हैं, कम से कम उनको वो समझे तो सही, उन मांगों के लिए तो वो समर्थन दें हमको। नहीं तो आज आपने मुंडन क्यों करवाया, क्या कारण? बस इसी का एक आक्रोश है। महिलाओं का सबसे प्यारा गहना होता है उसके बाल, जिसका मैंने त्याग कर दिया और ये मुंडन करवाया। मैंने क्या मांगे सरकार से? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अब कार्यकारिणी तय करेगी, ये मैं नहीं करूँगी।